भरतपुर कामा कस्बे के तीर्थ राज विमल कुंड में पानी की मांग को लेकर कामा डीग रोड पर साधुओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में आए तमाम साधु संतों ने डीग कामा रोड पर जाम लगा दिया और पानी की मांग करने लगे। हालांकि इससे पहले साधु संतों ने कुंड में पानी छोड़े जाने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन पत्र भी सौंपा, लेकिन उन्होंने इस मामले की अनदेखी कर दी, जिसे लेकर साधु संतों ने विरोध जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और डीग कामा रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने साधु संतों को समझाया बुझाया और जाम खुलवाया। दो महीने से अखबारबाजी और टीवी में निकलवा रहे हैं कि विमल कुंड में पानी नहीं है, मच्छियां मर रही हैं और विमल कुंड पे प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसडीएम कल आया था और वो झूठी तसल्ली देकर के हमको यहाँ से चला गया है। पानी आएगा, कल दशहरा है, कल लाखों श्रद्धालु यहाँ विमल कुंड पे पधारेंगे। वो अगर कोई भी श्रद्धालु ऊपर से बाई चांस कूद गया तो नीचे कीच में रह जाएगा। विमल कुंड के अंदर से बिल्कुल पानी सूख चुका है और प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। वैसे विमल कुंड होती है, विमल कुंड कोई साधारण चीज़ नहीं है, 84 तीर्थों का राजा है विमल कुंड। पूरे 84 कोस में माना हुआ तीर्थ है।